हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और मेरे पास यहां पर है आ चुका BGMI, साथ ही साथ है हमारे पास पोको का पोको M3 Pro। तो पोको M3 Pro के अंदर जो है हम लोग BGMI प्ले करने वाले हैं, यानी कि पबजी प्ले करने वाले हैं। क्राफ्टॉन ये आपको लोगो देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी Mi 10i के साथ, तो वहां पर जो है बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी कि नहीं इंस्टॉल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन सब के भी इश्यूज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या किसको दिक्कत हो रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं पहले गेम प्ले दिखाऊंगा, गेम की क्वालिटी दिखाऊंगा कि कैसा चलता है। हालांकि मैंने कल रात में इसमें एक पूरा मैच खेला, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा थोड़ा आराम से, जिसके अंदर जो है मैं पूरा इसकी बैटरी 0 100 से 0 होने तक लगातार गेम ही खेलता रहूंगा और आपको बताऊंगा कि पोको M3 Pro में अगर आप खेलते हो तो कितना चलता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने मैच को जो है स्टार्ट कर दिया है। मैच को स्टार्ट करने के बाद अब ये लोडिंग ले रहा है। अब मैं बताता हूं कि अगर अभी तक आपके फोन में BGMI नहीं आया तो कैसे आएगा। देखो, अभी इस समय सुबह के 10:24 हो रहे हैं, वाईफाई मैं लगवा चुका हूं, कल वाईफाई की वजह से वीडियो लेट हुई थी, कोई बात नहीं। तो अभी क्या सीन है कि मैं आज भी 10 बजे ही उठा था, कल भी 10:30 बजे ही उठा था। आज मैं उठा तो मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिखा, उसमें एक लिंक थी, उस लिंक में लिखा हुआ था कि बीटा प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने अपने पोको F1 से ज्वाइन कर लिया बीटा प्रोग्राम। कैसे किया, मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए, स्क्रीनशॉट जो है मैंने पूरी तरीके से शेयर कर दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकंड, PUBG2021 हमारा ग्रुप है, ये रहा हमारा ग्रुप। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये वो लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से जाके देख सकते हो। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, यहां पे ज्वाइन लिख के आएगा, आप उस पर ज्वाइन कर लोगे। और फिर आप प्ले स्टोर पे जाओगे, आपको नहीं दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन, लेकिन आप यहां इस बटन पे क्लिक करोगे डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, तब जब आपको ये प्ले स्टोर पे लेके जाएगा तो इस तरीके से आपको इंस्टॉल का ऑप्शन शो कर देगा। अब देखो टाइमिंग 9:49 यानी 9:50 के आसपास मैंने ये मैसेज शेयर किया है ग्रुप में, ठीक है। तो ये एक तरीका है, और मुझे यकीन है कि जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी या थोड़ी देर में या कुछ घंटों में ये फिर से जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है आप मुझे बताना, ठीक है। ऐसा होता है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कैसे डाउनलोड करना है। उसी ग्रुप में जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें दो और लिंक है, एक मेन फाइल की और एक OBB फाइल की, तो दोनों को इंस्टॉल करना है। तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार और बताऊंगा क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। पहले देख लेते हैं, अगर इस बार अर्ली एक्सेस रह जाता है तो हम लोग जो है उसको रहने देंगे, अदरवाइज जो है हम लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। तो यहां पर जो है हम लोग कहीं उतर रहे हैं, जहां कहीं भी उतर जाए भाई, उतरने से मतलब है। और मैंने जब गेम खेला इसमें तो मुझे महसूस हुआ गेम मोटा मोटी ठीक ही चलता है, कोई खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यही है कि ग्राफिक सेटिंग ज्यादा नहीं है, काफी एवरेज लेवल पर ही है, ग्राफिक सेटिंग एवरेज लेवल पे है, यही मुझे थोड़ा सा जो है कम लगा इसमें। जैसे अभी देखिए हम गेम खेल रहे हैं, गेम ठीक ठाक चल रहा है, कहीं से ऐसा कुछ दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत हो रही है। ये देखो लैंडिंग हो गया और ये हो गया, ओके। तो अब आप यहां पे देखोगे कि जो कंट्रोल्स हैं वो ओवरऑल सही वर्क कर रहे हैं, मुझे कोई ऐसा दिक्कत महसूस नहीं हुआ। मैंने पूरा एक मैच खेला था और 4-5 किल भी थे शायद मेरे, तो ठीक ठाक ही चला था। ओके, तो ये बढ़िया टाइम है गेम प्ले दिखाने का, क्योंकि बाहर एनिमी तो है लेकिन लगता है कि मर गया, इन लोग सबको मार दिया, कोई बात नहीं। हमने भी जो है उतने देर में फोन ओवरहीट हो गया था हमारा, रिकॉर्डिंग वाला फोन पोको F1, तो उतने देर में यहाँ पे आप देख सकते हो 7 किल किया है, 7 में से 2-3 तो मेरे ख्याल से बॉट ही थे। और ग्राफिक्स की अगर हम लोग बात करें, अरे अरे एनिमी एनिमी निकल गया, हाँ। तो ग्राफिक सेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो इसमें मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है वो मिलता है HD का और साथ में जो है हाई का, ठीक है। अब मेरे फोन में PUBG है, मैंने इसको बंद किया, ठीक है, आपके सामने कहाँ गया हमारा PUBG, ओके, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इसको लिया यहां से आपके सामने, अभी अनइंस्टॉल किया, ठीक है। अब मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो कैसे इंस्टॉल करना है, सबसे पहले जो OBB फाइल आपको दी गई है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, रुक जाओ मैं दिखाता हूं, ये हमारा OBB, एक सेकंड, ओके। तो ये वाली जो फाइल है मेन 15225255 जो है इसको यूज करना है, सेव करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे ऑप्शन आता है सेव टू डाउनलोड्स, इस पे आपको जस्ट ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है, सेव टू डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना। ये 600 MB की फाइल है, याद रहेगी आपको कि भाई 600 MB की है, बड़ी फाइल है, ठीक है।
दूसरा आपको जो है ये वाला जो फाइल है यहाँ पर, इसको डाउनलोड कर लेना है। इन दोनों में से कोई भी एक डाउनलोड करके उसको जो है उसी तरह सेव कर देना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधा हमारे फाइल मैनेजर में। एंड्रॉइड नाम का फोल्डर आ गया ये आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीबी का फोल्डर आपको खाली दिख रहा है, बट फाइल इसके अंदर हमने पहले ही कॉपी कर रखा है, तो वहां पर जो है कुछ नहीं आप एडिट कर पाओगे। अगर आपको पोको M3 प्रो के अंदर करना है यही काम, तो आपको यूज करना होगा डेस्कटॉप का या फिर किसी अदर फाइल एक्सप्लोरर का, क्योंकि एंड्रॉइड 11 में ये वर्क नहीं करता है, ठीक है, कि डायरेक्ट आप ओबीबी फाइल कॉपी कर लो। चलो ये हो गया। अगला चीज हमारा जो है एपीके का डाउनलोड्स में यहाँ पे देखते हैं हम लोग आकर के। ये हमारा एपीके हो गया एक, ओके। जस्ट आपको इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जैसे हमने किया यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक, और ये देखिए इसका इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गया है, कुछ ही सेकंड में ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। ये देखो ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद हमने ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप डाउनलोड फेल्ड बिकॉज यू मे नॉट हैव परमिशन टू दिस ऐप, ये लिख के आ रहा है, ठीक है। अब आपको ऐप को जो है बंद कर देना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ओबीबी फाइल कॉपी करने वाला सिस्टम, अब वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखो मैंने अपना जो है पोको M3 प्रो कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर बन के आ गया। यहाँ पे हम इंटरनल स्टोरेज में गए, यहाँ पे एंड्रॉइड फोल्डर में गए, और यहाँ देखिए ओबीबी का अंदर फोल्डर बन गया, और यहाँ पबजी का फोल्डर बन गया। अब ये खाली है, अब इसको खाली नहीं रखना है, इसको भरना है। तो हमारा ये जो मेन वाला फाइल है इसको हम लोग यहाँ से सिंपली कर लेते हैं कॉपी। तो जब यही प्रोसेस आप मोबाइल से करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन यही प्रोसेस आप पीसी से करेंगे तो ये वर्क कर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल कॉपी हो गया। कितना स्पीड में हो गया भाई, और कितना स्पीड चाहिए, बहुत जबरदस्त स्पीड था। अब आगे यहाँ पर जो है हमारे फोन के अंदर जो मैं दिखाऊंगा, ये हमारा फोन है, सेम वही वीडियो है, मैंने कहीं से भी इसको रोका नहीं, ताकि जो है आपको ऐसा ना लगे कि कहीं से कोई चीट हो रहा है। सिंपल प्रोसेस से मैंने इंस्टॉल किया है, सिंपल जैसा होता है। यहाँ पे देखो अलाउ पे क्लिक कर दिया, क्योंकि ओबीबी फाइल हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। और आपको इसमें 600 MB का एक और अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पबजी वाला बदमाश है भाई, वो अपडेट करवा के ही छोड़ेगा। एट द एंड आप ही का नेट खर्चा होने वाला है। यहाँ पे आपको 2 से 3 GB खर्चा हो सकता है मैक्सिमम, अगर आप सारे मैप्स वगैरह डाउनलोड करो। यहाँ पे देख सकते हैं आप डाउनलोड हो गया, इस बार 2 MB का रिसोर्स फाइल डाउनलोड हुआ। प्रिपेयरिंग फॉर रिसोर्स कॉपी हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब ये है कुल मिला के कि पबजी हमारा खुल रहा है। लो चलो, इस बार इसने 600 MB वाला फाइल नहीं मांगा, अच्छी बात है, नहीं लो मांग लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 600 MB का फाइल आ गया, यानी कि इसके बाद जो है आपका पबजी खुल जाएगा। बस ये सिंपल सी स्टेप है, मैंने इंस्टॉल करके दिखा दिया, अब आप इसको यूज कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और पबजी की इसी तरह वीडियोस देखने के लिए या पोको M3 प्रो की इसी तरह वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।